Focus, focus. All right. Hello. क्या हाल है आप सब लोग का? तो पिछले कुछ दिनों से मैं थोड़ा सा इनएक्टिव तो रहा हूँ, और वो क्योंकि हमने ये बंधवा लिया पैर में. देखा आपने लापरवाही का नतीजा. बहुत दिन हो गए थे मेरे को स्टूडियो आए हुए, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज एक Q&A वीडियो किया जाए. Q&A वीडियोस में मजा आता है यार. तो चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहला सवाल है यूट्यूब से. AIO Shorts ने कहा है, सर मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, मैं आपके सारे वीडियोस देखी है, क्या पावर कॉर्ड्स पे एक लेसन करेंगे? पावर कॉर्ड्स में मैंने ऑलरेडी एक लेसन डाले हैं. मारो मुझे, मारो मारो मुझे. जिनको नहीं पता उनको बता दूं कि पावर कॉर्ड्स इज सिंपली व्हेन यू प्ले द रूट द थर्ड एंड कई बार यू आल्सो प्ले द रूट अगेन व्हिच इज द ऑक्टेव. तो ये होता है आपका पावर कॉर्ड. सिर्फ 3 स्ट्रिंग्स. पावर कॉर्ड में एक चीज अच्छा हो जाता है कि आपको प्रैक्टिस करना पड़ता है म्यूटिंग का भी, क्योंकि आप इन 3 स्ट्रिंग्स के अलावा और कोई स्ट्रिंग्स नहीं बजा सकते. यू हैव टू प्रैक्टिस इन सच अ वे दैट यू म्यूट ऑल द अदर स्ट्रिंग्स. सो इवन इफ आई स्ट्रम ऑल द स्ट्रिंग्स, सिर्फ वो 3 स्ट्रिंग्स ही बजेंगे. तो 6 स्ट्रिंग मैंने अपने मिडिल से म्यूट कर रखा है, एंड देन आई एम म्यूटिंग द सेकेंड एंड फर्स्ट विद माई इंडेक्स. दैट्स योर पावर कॉर्ड्स, एंड ऑफ कोर्स ये मूवेबल भी है. सेकेंड क्वेश्चन है, और ये काफी कॉमन क्वेश्चन है, कई लोगों ने पूछा है, ऑडियो एडिटिंग टिप्स, हाउ टू रिकॉर्ड गिटार एंड वॉइस टुगेदर. यार अभी आजकल जैसे आपने देखा होगा कि मैंने कुछ दिनों से कवर्स डालने पे ज़्यादा फोकस किया है, एंड कवर्स में स्पेशली ऑडियो रिकॉर्डिंग का जो प्रोसेस है वो काफ़ी एक्सपेरिमेंटल है, एटलीस्ट फॉर मी, क्योंकि मैं बहुत ट्रायल एंड एरर करता हूँ. समटाइम्स इट इज़ लाइक आई लाइक द वाइब ऑफ हाउ आई जस्ट साउंड व्हेन आई एम जस्ट सिंगिंग एंड प्लेइंग टुगेदर. एक अच्छे पोजिशन पे माइक मेरे सामने रखता हूँ, एंड आई एंगल इट इन सच ए वे कि वो दोनों गिटार और वॉइस कैप्चर करता है. So sometimes it's just me singing and playing, and there's just one mic. And then now I have started more experimenting with guitar recording ko aur acha kaisa kiya jaye. So first there are like 2 options that you can do. Apna jo mic hai, 12th fret ko face karke mic ko rakhna hai. That is one way you can do. Second type ho gaya ki same recording aap wapas record kar rahe hain, and then ab jab aapke paas 2 tracks hain, you pan one to the left, pan one to the right, and disco hum bolte hain double tracking or DT recording. And then the third way is to have actually 2 mics recording your guitar. One mic is facing around the 12th fret or something, and then second mic, jo bhi aapka mic hai, wo can face the bridge. So there are 2 input sources recording simultaneously. Another way that I want to try is one mic on the guitar and one mic for the voice. That is also very popular. To yaar, tarike to bahut hain. Teesra sawal hai, how do you figure out the chords of a song? यार एक्चुअली देखा जाए तो अगर इफ़ यू वांट टू फिगर आउट कॉर्ड्स ना, थोड़ा सा आपको म्यूजिक थियोरी के बारे में पता होना चाहिए. लाइक इफ़ यू नो हाउ अ मेजर स्केल इज हार्मोनाइज्ड, मेजर स्केल में क्या क्या कॉर्ड्स आते हैं एंड ऑल दैट, देन इट बिकम्स अ लिटिल ईजियर. सेकेंड रिक्विजिट फॉर फाइंडिंग आउट कॉर्ड्स बाय योरसेल्फ इज यू मस्ट बी एबल टू टेल कि एक गाना कौन सी की में है. कोई भी अगर गाना चल रहा हो, सो दैट इज़ वन नोट दैट विल ऑलवेज साउंड काइंड ऑफ गुड इन दैट सॉन्ग. वो नोट हर जगह सही लगेगा, सो दैट मीन्स दैट इज़ द key of the song. That is like the easiest way to find out ki that is the key. Now you also have to figure out wo major hai ki minor hai, and then once you know that, then you automatically know ki uske aas paas aur kya chords honge. Iske upar maine ek video bhi dala hai ki how to find any chords of a song. You can go and check that out also. Kai logon ne mujhe ye bhi pucha hai ki if I take guitar classes or online guitar lessons. Basically I do take lessons. Main uska jo bhi details hai description mein ek link de dunga, you can go and check it out there. And if anyone wants to sign up, you can just contact the given number and someone from my team will get back to you. Ab chalte hain Instagram pe. Yashi has asked, how many and which guitars do you own? Well, right now the guitar I'm holding is a guitar from Taylor. This is called the GS Mini, and iska variant hai Rosewood, and it is a E Rosewood, so it has an input jack also. You can connect and you can play through an amp. सो दिस इज द GS Mini, और इसको मैंने कई वीडियोज़ में यूज़ किया. ऑलमोस्ट ऑल ऑफ माई टीचिंग वीडियोज़ आई यूज़ दिस, एंड आई लाइक इट बिकॉज इट इज़ वेरी ट्रैवल फ्रेंडली. और इस गिटार का साइज कम होते हुए भी व्हाट आई लव अबाउट इट इज द साउंड इट दैट जस्ट थ्रोज आउट. आई एब्सोल्यूटली लव द साउंड ऑफ दिस गिटार, एंड दैट्स वॉट एक्चुअली मेड मी गो फॉर दिस गिटार, कि इतना छोटा होते हुए भी इसका साउंड काफ़ी पावरफुल है. एंड अगला गिटार, ओके ये थोड़ा सा टाइम लगने वाला है, लेट्स डू इट द यूट्यूब एडिटिंग वे.
And this guitar that I have is a Breedlove. This is the Pursuit Concert CE by Breedlove. ये brand I saw it last time in the US when I was at a guitar center. मैंने इंडिया में तो कहीं भी कोई गिटार स्टोर पर नहीं देखा था. But then a few years back, यहाँ से not very far, there's a guitar store. Store के अंदर enter करते हैं मेरे को एक glass case के पीछे मेरे को दिखा ये गिटार. दो तीन बार मैंने बार बार जाके try किया इस गिटार को. And then I just finally just got it because I love this guitar. बहुत सारे गिटार रिव्यू में आपको दिखाते हैं कि ये देखो ये गिटार दिस आउट लुक्स दे नेवर शो यू द बैक बट ओ माय गॉड लुक एट दैट दिस व्हाट आई लव अबाउट दिस गिटार इट लुक्स एब्सोल्युटली इनसेन उसका बैक तो बहुत ही सही लगता है एंड ओह सॉरी फॉर दैट रिफ्लेक्शन एंड इसका जो नेक प्रोफाइल है एंड हाउ द नेक फील्स दैट इज़ वन ऑफ द मेन रीजंस आई गॉट दिस गिटार बिकॉज बहुत कंफर्टेबल था बजाने में सो या That's my Breedlove. आजकल मैं ये ज़्यादा covers में use कर रहा हूँ because I am playing songs where I need the guitar to be tuned half step down. तो ये guitar मैं हमेशा half step down पे रखता हूँ. Has beautiful sustain. And now the third guitar. नहीं. So, ये गिटार इज माई वन एंड ओनली क्लासिकल गिटार दैट आई ओन दिस इज़ द यामाहा C40 एंड इसको मैंने मुंबई में लिया था बिकॉज आई थिंक जब मैं एक गाना बना रहा था तो आई वॉज लाइक दिस सॉन्ग नीड्स क्लासिकल गिटार ऑन इट एंड वेल वो गाने में वो क्लासिकल गिटार मैंने निकाल दिया द नेक्स्ट गिटार दिस इज माई इलेक्ट्रिक गिटार दैट आई एम यूजिंग ये गिटार काफ़ी स्टोर्स में अवेलेबल थे द स्टोर आई गॉट इट फ्रॉम दे वर द ओनली वंस Who had it in this color? पता नहीं क्यों मेरा mind was set कि मेरे को यही color में ही चाहिए I do not regret that one bit because I love how this color looks. This is obviously the Stratocaster style type of a guitar. This is from Squire. Squire का Affinity series का Strat है ये And I think it was pretty overdue because for the style of my playing, which is a lot of blues, And mostly मैं clean ही बजाता हूँ I rarely play distortion or high gain. तो उसके लिए तो भाई single coil pickup ही चलते हैं I also have a ukulele. This is from Tanglewood and I think it's the Union series. बहुत time पहले मैंने बजाया था I don't even remember the chord shapes. But yeah. So the next question is from Divyanshu. From Instagram, he says, How to stay motivated when everyone is judging you in your music journey? Bhai, I think the only way to do it is by not comparing yourself to others. Shuru mein aapko lagta hai ki, oh my god, main post karunga to log kya sochenge, log kya bolenge, kaise judge karenge. And then later you realize that ki bhai kisi ko nahi padi hai. They're all busy in their lives. Nobody cares. Nobody cares. And I think that's your superpower. एक और question है Ritwik and इसको मैंने Instagram पे answer किया था but I want to just like touch on it again. He asked Continuum or Battle Studies. अभी तक तो आपको पता लग ही गया होगा कि I am a huge fan of John Mayer. So this was a tough decision but yeah Continuum I think is a better album. क्योंकि Continuum में there are so many iconic songs. Slow Dancing in a Burning Room. Stop This Train, Gravity, Heart of Life, क्या album था भाई But actually, if I am honest, my all-time favorite album has to be Sob Rock यार Why You Know Love Me, Shot in the Dark and Wild Blue, three songs that I can just listen to anytime. मेरे comments में बताना कि आप लोग का John Mayer का कौन सा favorite गाना है Tridip _ Madhukalya asks, A7 chord is major 7 or dominant 7? A7 अगर सिर्फ 7 लिखा हुआ है That means that it's a dominant 7. अगर वो major 7 या minor 7 होता है then उसको mention करना पड़ता है So you write A major 7 or A minor 7. But if it's just A7 then it's dominant 7. Akshat asks, How do you sing so well? First of all, thank you very much that you like my singing. कोई भी चीज़ में अच्छा होने के लिए it's the same thing. Like you just practice. Singing का भी काफ़ी practice करता हूँ I make it a point to practice every single day. Vansh ने पूछा the most beautiful chord in mankind. ओह भारी सवाल है यार Most beautiful chord. यार काफ़ी कॉर्ड्स हैं बट आई जस्ट टेल यू सम ऑफ माई फेवरेट्स द फर्स्ट कॉर्ड में यू नो आस्क मी फॉर अ ब्यूटिफुल कॉर्ड मेरे दिमाग में यही कॉर्ड आता है ब्यूटिफुल कॉर्ड यार थोड़ा सा ह्यूज दैट्स अ बिग स्ट्रेच और इसको आप थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हैं यू कैन ऐड योर मिडिल फिंगर One of my friends actually taught me this chord. Very beautiful sound.
Something else that I can think of is this one. और ये मूवेबल शेप है, सो यू कैन मूव अराउंड. आरजी शर्मा ने पूछा है, आपकी तरह क्या हम गिटार प्ले कर सकते हैं? भाई आप मेरी तरह नहीं, मेरे से भी बेटर प्ले कर सकते हैं. सो आई थिंक दैट वाज ऑल फॉर दिस Q&A वीडियो. आई सी यू सून. खत्म. बाय बाय. टाटा. गुड बाय. गया.